अरे भाई साहब, तबाही होता जा रहा है भाई, कितना खतरनाक स्विफ्ट डिजायर का एक्सीडेंट। दोस्तों एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, मैं विजय कुमार जी। आज जा रहा हूँ जगदलपुर से गीदम, और जगदलपुर से गीदम की जो दूरी बताई जा रही है 80 से 85 किलोमीटर है। आपको आज गीदम सिटी भी घुमाने वाला है, गीदम शहर भी दिखाने वाला है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी रूम से निकल रहे हैं, कुछ हम लोग का इस प्रकार पूरा रूम है बिखरा हुआ, देखिए सब लोग यहाँ पे सोते हैं। अब अपना मैं टैंक बैग लेता हूँ, आगे की ओर निकलते हैं। फिलहाल सामने हमारी गाड़ी वार्म अप हो रही है, तो टैंक बैग और जब तक लगाया जाए तब तक गाड़ी वार्म अप हो जाएगी, फिर से बंद हो गई, फिर चालू किया जाए। टैंक बैग और फिट हो चुका है, और जो टाइमिंग हो गया 7:30 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और राहुल भाई की गाड़ी और कितनी गंदी हुई गाड़ी, इसको धुलवाना भी है, कल धुलवाऊंगा सोच रहा हूँ। गेट से अब हम निकल रहे हैं फिलहाल, और हमारे राहुल भाई आते हुए अभी दिखाते हैं आपको। और गाड़ी मेरी थोड़ी हीट हो रही है, थोड़ा अच्छे से गाड़ी चलेगी। तो अब जो अभी मॉर्निंग का टाइम है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जो कि 7:30 बजे हैं तब भी बहुत ठंड लग रही है। मेरे को आगे चल के हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर हम लोग इनर पहनूंगा, उसके बाद फिर ड्राइव करूँगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और हाईवे में तो और ठंड लगेगी। अभी चलते हैं, और यहाँ से ढोलकर गणेश है 110-120 किलोमीटर के आसपास है। तभी हम लोग जगदलपुर में ही हैं, अभी बाहर नहीं निकली, जहाँ पे हम लोग रूम किराए पे लिए वही वाली रूट है ये। मॉर्निंग का टाइम का नज़ारा यहाँ का खूबसूरत सा जगदलपुर का, कोहरा तो दूर दूर तक दिखता है, यहाँ से कोहरा छाया हुआ पूरा। और एक चीज़ और करना है मेरे को अभी, जो कि थोड़ी देर में करूँगा, मैं अभी कर लेते हैं, थोड़ी देर में क्या करना है भाई, ये करना था, ग्लास खोना बहुत जरूरी रहता है, अपने को बहुत सेफ्टी देता है भाई, बहुत सेफ्टी। यहाँ का विशाल मेगा मार्स जगदलपुर का अच्छा लग रहा है अभी मॉर्निंग के टाइम में। यहाँ पे भी पूरी गलियां सुनसान, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है जगदलपुर में। हैं श्री गुरु गोविंद सिंह चौक, खूबसूरत सा, और यहाँ पे धूल देखिए कितना ज्यादा है, और ये खूबसूरत सा रहा पेट्रोल टंकी, और यहाँ पे कोई ड्यूटी व्यूटी जाने के लिए खड़ी है, बसें भी खड़ी हैं फिलहाल। सुगमा 104 कोटा है 184, तिरतगढ़ 34 किलोमीटर, बीजापुर 158 70 किलोमीटर, गीदम है दंतेवाड़ा 94 किलोमीटर, तवाड़ा से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर और जाना है ढोलकल गणेश। तो चलिए फिलहाल आगे की ओर चल रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, खूबसूरत सा नज़ारा और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप सामने देखिए कितना ज़्यादा कोहरा दिख रहा है, पूरा धुआं धुआं टाइप का। सूरज महाराज जी आ चुके हैं और बच चुके हैं सुबह के 8, तभी पर अभी कोहरा कोहरा छाया हुआ है। तो अभी फुल मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, और जो ठंड लग रही है ना, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा ठंड लग रही है। कहीं रुकेंगे उसके बाद चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगेगा। भाई लोग ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलोअप नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कहीं वीडियो के आसपास कोई इमेज ब्लिंक कर रही होगी, तो मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो करो, वहाँ पे स्टोरी डालते रहते कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं, कौन से स्टेट जाने हैं, कौन से शहर जाने वाले हैं, हर लोकेशन में वहाँ पे स्टोरी डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। कैसुलूर में हम लोग नाश्ता किए हैं, डोसा खाया है, और यहाँ पे चाय पिए, उसके बाद अब आगे हम लोग निकल रहे हैं। सुकमा 90 किलोमीटर, तीरथगढ़ जलप्रपात 18 किलोमीटर, कांके घाटी राष्ट्रीय उद्यान 10 किलोमीटर। इस साइड जाएंगे तो आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल पड़ेगा, हमको तो सीधा ही जाना है गीदम, बालसूर से 77 किलोमीटर, दंतेश्वरी माता का मंदिर है 66 किलोमीटर। अब थोड़ा अच्छा लगा भाई, नाश्ता वास्ता किए, चाय पिए, मस्त मज़ा आ रहा है। 70 किलोमीटर निजामाबाद 492, फिरोचा 251, विशाखापट्टनम 317, रायपुर है 311 किलोमीटर। और
मेरे एक दोस्त का चैनल है कपिंग थेरेपी करके, तो चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो कपिंग थेरेपी करता है, हिजामा करता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, तो आप उनके चैनल में विजिट करके पूरा डिटेल ले सकते हैं। और बहुत बेहतरीन लग रहा है सुबह मॉर्निंग के टाइम में। गांव में रहने का एक अलग ही मज़ा रहता है, एक अलग ही इन्जॉयमेंट रहता है। गाँव का नाम है टोकापाला। खूबसूरत सा मिट्टी के खूबसूरत से घर बने हुए हैं, और इधर खपड़ायर का घर है, तो इसी टाइप का कुछ इस गांव का खूबसूरत नज़ारा है। और ये खूबसूरत सा कोई ढाबा है, पटेला ढाबा है। और इधर देखिए लाइन से पूरे ट्रकें खड़ी हुई हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया है। बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। अच्छा, रेलवे क्रॉसिंग बंद के वजह से है। मैं सोच इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रकें एकदम से लाइन से लगी हुई हैं, तो ये इंडस्ट्रीज एरिया जाने के लिए पूरी ट्रकें खड़ी हैं। उधर पूरा फाटक बंद है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, रेलवे फाटक। और एक खूबसूरत सा मैसेज, रोड से नजर आई तो दुर्घटना घटी, और हमारे सुपर बाइक। बेहतरीन सा लोकेशन है, खूबसूरत सा हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ी एरिया, और ऐसे नज़ारे को एंजॉय करते हुए चलते हुए एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही शांति मिलती है, दिल को दिमाग को एकदम फ्रेश कर देता है, माइंड को। देखिए मजदूर भाई लोग जाते हुए पूरे गाड़ियों में बैठे हुए हैं एक तरफ से, और इस टाइप का जो लोकेशन रहता है यूपीओ में ज़्यादा मिलता है। इधर मैं पहली बार देख रहा हूँ जगदलपुर बस्तर में इस टाइप का कुछ लेकिन खूबसूरत था। वो तो अपने काम के लिए जा रहे हैं कहीं भी। लोकेशन में देखिए पहाड़ी एरिया, एक्चुअल ये पहाड़ी एरिया पूरा हरे भरे पेड़ पौधे हैं, और ये छोटा सा इधर भी दिख रहा है आइलैंड टाइप का, छोटा सा, वो भी बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। बहुत बढ़िया है, क्या बात है, खूबसूरत, लाजवाब। ग्राउंड बना हुआ है और बहुत बेहतरीन लग रहा है। किले पाल गांव है ये, खूबसूरत सा। इधर कुछ पंचायत है, जनपद पंचायत, लावा का बोर्ड, क्या बात है। और ये कोई नर्सिंग होम था यहाँ पे, खूबसूरत सा। खूबसूरत सा सामने आपको स्कूल दिख रहा है, DAV स्कूल है, और ये कौन से लोकेशन का पता नहीं, पर बहुत खूबसूरत स्कूल है। ये देखिए खूबसूरत सा मोड़ आना चालू हो रहा है, और पहाड़ देखिए क्या खूबसूरत सामने, और इधर ट्रैक्टर में जाते हुए भाई लोग। धीरे करके हम कोई घाटी से उतरते हुए जा रहे हैं इस खूबसूरत से घाटी में। मोड़ देखिए क्या खतरनाक, और पहाड़ी एरिया खूबसूरत सा, हरे भरे पेड़ पौधे हैं पूरे, और देखिए कितना बड़ा पत्थर है वहाँ पे, चट्टान है पूरी। हमारे बस्तरिया भाई साहब तो ऐसा सिनेमैटिक ले रहे हैं, ऐसा सिनेमैटिक ले रहे हैं कि जैसे पूरा तबाही मचा देंगे। अरे भाई साहब क्या बात है, ये तो और तबाही होता जा रहा है भाई साहब। पूरा एक हिसाब से पूरा घाटी घाटी है। आप देखिए कितना बड़े बड़े पत्थर हैं भाई। अच्छा ओके, जो रूट है याद है, ये रूट दंतेश्वरी माता मंदिर ले जाती है। वही मैं सोचा था कि ये लोकेशन याद आ रहा है मेरे को, फर्स्ट टाइम जब आया था राइट इस खूबसूरत नज़ारे को।
भाई साहब पहाड़ तो देखिए क्या बात है, इतने बढ़िया पहाड़ बड़े बड़े, और मोड़ तो अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ तक कितना ख़तरनाक स्विफ्ट डिजायर का एक्सीडेंट हुआ, मतलब कोई ट्रक से टकराया है, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ भाई। और कौन सी गाड़ी है, CG 18 जगदलपुर का रोड जो है ना, एक नंबर रोड है भाई, मक्खन वाली रोड है, मस्त। अभी तक हम लोग को कोई रोड ख़राब नहीं मिली, जैसे हम लोग जगदलपुर सिटी से बाहर से निकले हैं, उसका तो एक नंबर रोड है पूरी। ये देखिए आप, अभी फ़िलहाल के लिए न्यू रोड फिर से बनी है ये, और बहुत बेहतरीन रोड है। हम लोग को अभी तक कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे कि कहीं भी उबर खाबर रोड ख़राब मिलो। अभी तक मतलब मोटा मोटा हम लोग चल चुके हैं 70-80 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, अभी बिल्कुल मक्खन वाली रोड है। कोई नदी जो कि अभी पानी ख़त्म है इसमें, और ये आ गया खूबसूरत सा कोई एक गांव, बाग मुड़ी गांव है, और एक खूबसूरत सूरत पेंटिंग बनी हुई है देखिए, तो शायद कोई कन्या आश्रम बागमुड़ी, तो कन्या आश्रम है, खूबसूरत सा और बेहतरीन पेंटिंग बनी हुई है दृश्य। और जो भाई लोग ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम का फॉलोअप नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको कहीं वीडियो के आसपास लिंक कर रहा होगा। जगदलपुर की सीमा समाप्त हो चुकी है, अब कौन सी सीमा चालू होने वाली है अपने को आइडिया नहीं है, कहीं पे लिखा होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब गीदम की सीमा चालू हो चुकी है, ये पूरा लोकेशन गीदम में आता है, दंतेश्वरी माता का मंदिर भी गीदम में ही आता है, और कुछ इस टाइप का बेहतरीन सा लोकेशन है, खूबसूरत नज़ारा है। ठंडी ठंडी हवा तो चल ही रही है, और यहाँ से गीदम कितना किलोमीटर है वो भी देख लेते हैं। फिलहाल गीदम है यहाँ से 8 किलोमीटर। श्री अटल बिहार वाजपेयी एजुकेशन सिटी, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा। कॉलेज क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बने हैं, पुराने बिल्डिंग है जो कि अटल बिहारी कुछ लिखा हुआ था, अटल कोवा युवा, बेहतरीन है भाई, एक नंबर चीज़ है ये तो। ऑडिटोरियम है जवांग गीदम जिला दंतेवाड़ा, क्या बात है, खूबसूरत एक से एक चीज़ें। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, तो कुछ इस प्रकार का एक पूरा लोकेशन है, खूबसूरत सा। और फिलहाल ऐसे लोकेशन को एंजॉय करते हुए हम चल ही रहे हैं। आस्था विद्या मंदिर स्कूल, खूबसूरत सूरत बिल्डिंगें बनी ही हैं, फ्लैट बने हुए हैं खूबसूरत से, और ये पूरा ट्रांसपोर्टिंग एरिया लग रहा है छोटा सा, पूरा ट्रकें खड़ी हुई हैं, डंपर खड़े हुए हैं, और ये आगे कुछ और है खूबसूरत सा, मतलब इसी टाइप का अच्छा सा लोकेशन ये है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कल एवं विज्ञान शासकीय महाविद्यालय, इस साइड सबसे ज़्यादा इस टाइप अंकल लोग सामान ढोते ले जाते, कुछ भी मतलब पानी ले जाना होगा, सामान गेहूँ अनाज इसी टाइप पूरा ले जाते, कितना मेहनत लगता है, बहुत मेहनत भाई जाता है, बहुत ही वजन सामान को इसको उठा के ऐसे पैदल जाते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। गौ माता छोटा सा बसा उनका बच्चा, खूबसूरत सा गाड़ियों की शॉप, के ऑटो पास की दम